हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज भी लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, वीडियो संबंधित है अतिथि शिक्षकों के चलने वाले उस महा आंदोलन से, जो तब रुकेगा जब ये अतिथि शिक्षक अपने हक की लड़ाई को जीत लेंगे इस मध्य प्रदेश की सरकार से, इस शिवराज सरकार से। तो दोस्तों, आज का दिन है दूसरा इस महा आंदोलन का, जो कि चल रहा है फूलबाग में ग्वालियर के, और जिसके की प्रमुख हैं और जो संचालन कर रहे हैं वो हैं शंभुचरण दुबे जी। तो दोस्तों, आज की क्या रणनीति रहेगी, आज क्या क्या प्रोग्राम किए जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा, उसमें क्या विशेष बातें रहेंगी, इससे पहले मैं ये सब आप लोगों को बताऊं, तो आप सुने एक ये ओजस्वी वीडियो और देखें और आकलन करें कि क्या हो सकता है अतिथि शिक्षकों का। मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आप कहते हो, आप हिंदू धर्म की बात करते हो, हम भी हिंदू हैं। अरे तो मैं गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, उसके माध्यम से बताना चाहता हूं। अरे राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। अरे आपने छलावे से अगर सत्ता ले ली, अरे अगर हम पर छल होता, अगर हमारी कैबिनेट होती तो हम भी तुम हटा देते, शिक्षकों का न्यूनीकरण एक दिन में कर देते। हमारे बस की बात नहीं है, बस की बात क्या है, लोकतंत्र में केवल हमें वोट दिया है। अगर मेरे को तो कहीं बटन पर खड़ा कर दिया जाए तो चार दिन बटन दबाता रहूंगा, सोऊंगा नहीं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। कोई बात नहीं मामा जी, मैं बताना चाहता हूँ, आपने अतिथि शिक्षकों का अपमान, बताना चाहता हूँ। आप कहते हो 15 वर्षों में आपने 3,000, 5,000 और 7,000 के वेतनमान से हम लोगों पर क्या काम कराया, हम काम पैसों के लिए नहीं किया। आदरणीय हमारे भाई शंभुचरण दुबे जी ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी तब कहा था, आपका खजाना अगर खाली है ना, हम कभी आपसे वेतन नहीं मांगेंगे, और जब आपका खजाना भर जाए तो आप हमारा दुगना वेतन कर देना हमारे शिक्षकों का। आपने हमारी बात नहीं मानी, अब यशस्वी मुख्यमंत्री आ गए, और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो 13 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कुड़ी लगाव में कहा था, आपकी ढाल भी मैं बनूंगा और आपकी तलवार भी मैं बनूंगा। अरे महाराजा साहब, आप ढाल और तलवार तो उन 22 की बन गए जिनको लेकर के आए थे, आपने हारी तो सुनी नहीं है महाराज, और उनको मंत्री पद बनवा दिया, बिना परीक्षा के मंत्री, कोई परीक्षा नहीं, कोई चुनाव नहीं। अरे जो अतिथि शिक्षक पास हो गए हैं उनके बारे में सोच लो, क्या पूरे मध्य प्रदेश में 30,000, 50,000 अतिथि शिक्षक योग्य नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए? हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों में तुम्हें 10,000 योग्य अतिथि शिक्षक नहीं दिखाए, लेकिन 22 जो विधायक थे उनको तुमने बिना चुनाव के मंत्री बना दिया। हाँ महाराज, शिक्षक आपकी मदद करने वाला नहीं है। और मध्य प्रदेश की सरकार की अगर मैं बात करूं, मैं कमलनाथ जी को जाना नहीं चाहूं, उन्होंने कहा कि 3 महीने की 3 महीने में नियमितीकरण कर दिया जाएगा, माइक ठोका गए, नियमितीकरण कर दिया जाएगा, सरकार बन गई, बड़े प्रसन्न हुए हम। 63 किलो वजन था, 69 किलो हो गया, सरकार गिर गई, 69 से 67 रह गए। दोस्तों, आज इस महा आंदोलन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, तो आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं उस संबंधित ज्ञापन की और उसमें संबंधित मैटर की।
दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये न्यूज़ में भी आया हुआ है प्रमुख समाचार पत्रों में कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने सीएम के नाम आज दिया जाएगा ज्ञापन। यानी कि महा आंदोलन के द्वितीय दिन 22 सितंबर को सीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। मांगे उनकी वही रहेंगी, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, 12 माह का सेवा काल इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों ये प्रमुख न्यूज़ थी। यदि गवर्नमेंट नहीं आती है और किसी भी प्रकार से उपचुनाव से पहले कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है, अतिथि नियमितीकरण की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाता है, तो हम उपचुनाव का विरोध करेंगे और सभी 28 सीट पर गवर्नमेंट को जीतने नहीं देंगे। तो दोस्तों ये है अतिथि शिक्षकों का दूसरा दिन। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, बने रहिएगा डे बाय डे की न्यूज के साथ। अमित कुमार सोनी स्वागत करता है BWIC में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें वीडियो पसंद आता है तो। धन्यवाद, जय हिंद।